हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकर कपल। हम सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो जॉब है ये हमें एक स्टेबिलिटी देती है, जॉब सिक्योरिटी देती है और हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर करती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कि इतने सारे एस्पायरेंट्स गवर्नमेंट जॉब को पाना चाहते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि अगर SBI में आप क्लर्क रहते हैं और आप प्रमोशन नहीं लेते हैं तो आफ्टर 30 इयर्स टिल रिटायरमेंट मान लीजिए आपकी सैलरी कितनी हो जाती है। और ये एट प्रेजेंट अभी जो सेटलमेंट हुआ था लास्ट उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये सैलरी शेयर करूँगी। फ्यूचर में तो ये जितनी सैलरी है इससे ज़्यादा इंक्रीज़ ही होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस सब शेयर करूँगी, तो एंड तक आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आप सभी को पता है कि किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम की या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मॉक टेस्ट। और जो मॉक टेस्ट है वो काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते या उन्हें लगता है कि बहुत ही कॉस्टली मिलते हैं। लेकिन गाइडली आपके लिए लेके आया है मॉक टेस्ट सिर्फ 88 रुपीज़ में। और ये ऑफ़र सिर्फ कल तक के लिए वैलिड है। ये 8 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आया है और इसमें जितनी भी अभी 2022 में एग्ज़ाम्स होंगी वो सारी कवर होंगी, जैसे IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क, SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS SO और जितनी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स है उन सभी का प्रिलिम्स और मेंस का मॉक टेस्ट ये लोग प्रोवाइड करेंगे। ये ऑफ़र पहली बार गाइडली लेके आया है और अब इसके बाद कभी भी लेकर नहीं आएगा। तो ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो आप इसे ईजिली परचेज कर सकते हैं 88 रुपीज़ में। और मैं आप में से किसी 3 लोगों को ये मॉक टेस्ट खुद परचेज करके दूंगी। लेकिन उसके लिए आपको ये जो वीडियो है वो एटलीस्ट किसी भी आपके 5 फ्रेंड्स को शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, आपको कमेंट करना है कि आपको ये मॉक टेस्ट क्यों चाहिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं कल शाम 6 बजे तक 3 विनर्स डिक्लेयर करूँगी और उन्हें मैं ये मॉक टेस्ट खुद परचेज करके दूंगी। और बाकी जितने भी एस्पायरेंट्स हैं वो आप ये खुद भी परचेज कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ 88 रुपीज़ में है। अब हम शुरुआत करते हैं SBI क्लर्क सैलरी आफ्टर 30 इयर्स और इसमें JIB एंड CIB क्लियर्ड है, तो 3 इंक्रीमेंट्स एडिशनल लगे हैं। तो इसका जो अर्निंग्स है उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं बेसिक पे की। इसका बेसिक पे है 65,830 रुपीज़, डियरनेस अलाउंस है 27,877.87 रुपीज़, हाउस रेंट अलाउंस HRA है 7,480.45 रुपीज़, फिक्स्ड पर्सोनल पे करके इसमें कुछ मिलता है, यह है 2,265 रुपीज़, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे है 3,500 रुपीज़ और ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 600 रुपीज़, स्पेशल अलाउंस है 10,796.12 रुपीज़ और एक स्पेशल पे न्यू है ये जो अभी सेटलमेंट हुआ था इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था, ये 3,650 रुपीज़। तो जो टोटल ग्रॉस अर्निंग्स है वो होगी 1,21,999.44 रुपीज़। ये रीसेंट सैलरी स्लिप है, मैंने आपके साथ स्लिप शेयर नहीं किए लेकिन ये जो स्लिप है उसी में से मैं आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। अब हम बात करें डिडक्शंस की, तो इसमें एम्प्लॉय PF कंट्रीब्यूशन होता है 7,497 रुपीज़ और इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है 17,229 रुपीज़। तो जो टोटल डिडक्शन से वो है 24,726 रुपीज़। अब हम नेट अर्निंग्स की बात करें तो नेट अर्निंग्स जो अकाउंट में आएगी वो है 97,273.44 रुपीज़, जो एक बहुत ही अच्छी इनकम है। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी होम टाउन में पोस्टेड रह सकते हैं पूरे लाइफ टाइम। आपका प्रोबेबिलिटी तो यही होगी कि ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर आपकी सिटी में एक से ज़्यादा ब्रांचेस है तो आप लाइफ टाइम अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं, आप अच्छे से एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं SBI क्लर्क में, अगर आप प्रमोशन ना भी लें तो। अब हम बात करते हैं अलाउंसेस की, तो जो मंथली अलाउंसेस होते हैं उसमें पेट्रोल मिलता है 20 लीटर्स, न्यूज़पेपर में 360 रुपीज़ है, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी 360 रुपीज़ है। तो टोटल मंथली अलाउंसेस होंगे 2,720 रुपीज़। एनुअली आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है वो होता है 2,355 रुपीज़।
और भी बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, जैसे आपको फेस्टिवल एडवांस मिलता है, आपको हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे मिलते हैं, आपको LFC मिलता है, अगर आप कैश ऑफिसर हैं या आप डेप्यूटेशन पे जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो हम इसकी जो एनुअल CTC है या आपका एनुअल पे कैलकुलेट करें तो सबसे पहले ग्रॉस अर्निंग्स 121,999.44 × 12 योगा 14,63,993.28 रुपीज़। इसमें जो PF है वो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है तो ये ईयरली होगा 89,964 रुपीज़। मंथली अलाउंसेस थे 2,720 × 12 दैट इज़ 32,640 रुपीज़, और एक एनुअल मेडिकल भी था 2,355। तो जब इन सभी का हम टोटल करेंगे तो ये होगा 15,88,952.28 रुपीज़, जो अप्रॉक्सीमेटली 15.90 लाख होता है, जो एक काफ़ी अच्छी इनकम है। आप अपने घर में रह के, अपनी फैमिली के साथ रह के बहुत ही एक अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो, और ये एट प्रेजेंट सिचुएशन है। आप खुद सोचिएगा कि जैसे जैसे टाइम निकलेगा तो इनकम इंक्रीज़ ही होगी, ये डिक्रीज़ नहीं होगी, तो ये बहुत ही एक अच्छी इनकम है। मैंने आपके साथ न्यू जॉइनी की सैलरी स्लिप भी शेयर की थी, तो जब न्यू जॉइनी आप SBI को, पहले साल आपकी सैलरी होगी 4.5 लाख रुपये, 4.5 लाख। मैंने आपकी SBI क्लर्क आफ्टर 5 ईयर भी शेयर की है, उसमें होता है अप्रॉक्स 6.5 लाख। तो आप खुद देख सकते हैं, आप एनालिसिस कर सकते हैं फर्स्ट सैलरी, आफ्टर 5 ईयर सैलरी और आफ्टर 30 ईयर सैलरी को कंपेयर करके कि कैसे कैसे सैलरी में इंक्रीज़ होता है। और अगर आप GIB और CIB क्लियर करते हैं तो आपको एडिशनल इंक्रीमेंट मिलता है जो इस सैलरी स्लिप में मिला हुआ है। ये जो दोनों सैलरी स्लिप मैं शेयर कर चुकी हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करूँगी, आप वहाँ से जाके कंपेरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। इसी टाइप की और सैलरी स्लिप्स अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और एक बार और मैं आपको याद दिला दूं कि आप गाइडली का ये जो मॉक टेस्ट है आप परचेज कर सकते हैं, कल इसकी लास्ट डेट है, याद रखिएगा 28 जून 2022 इसकी लास्ट डेट है। और आप में से किसी 3 एस्पायरेंट्स को मैं खुद परचेज करके दूंगी, तो आप प्लीज़ जैसा मैंने बताया आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, किसी 5 फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको क्यों चाहिए ये मॉक टेस्ट। Thank you so much for watching this video, and don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel.